दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, आप सभी का स्वागत करता हूं टोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं डीएलटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी वर्सेस ब्लॉकचेन के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसके बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि डीएलटी और ब्लॉकचेन क्या है, और प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है ये कह के कि हम लोग यहाँ पे डीएलटी को सपोर्ट करेंगे और या ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेंगे लेकिन क्रिप्टो को नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है, तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में समझाऊंगा कि डीएलटी और ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में निकल के, वो प्रोजेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हेड्रा हैशग्राफ की हम लोग बात करें तो उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे, तो ऐसे प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप ये जो वीडियो है इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और बाकी तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डीएलटी की कि डीएलटी होता क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो डीएलटी हो है वो एक तरीके से सुपर है या एक तरीके से पैरेंट है ब्लॉकचेन का, और डीएलटी का सिंपल सा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब आप ये सपोज करिए कि आपकी कंपनी है और आप वहाँ पे बहुत सारे काम काज करते हैं जिसका कि आपको एक लेजर बनाना होता है शाम को कि आपका आज कितना माल बिका, कितना माल आपने खरीदा। तो ये जो लेजर आप बनाते हो, तो अभी क्या होता था, आपने एक्सेल पे बनाया या आपके मैनेजर ने बनाया या आपके अकाउंटेंट ने बनाया और उसको एक जगह जाके रख दिया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी आपको ये हेल्प करती है कि आप उस लेजर को एक जगह ना रख के, यानी कि किसी एक सिस्टम पे या किसी एक सर्वर पे ना रख के, आप डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे उसको रख सकते हो। तो आपने क्या करा, आपकी जो कंपनी थी उसने चार और कंपनी से यहाँ पे पार्टनरशिप्स कर ली, या आप 10 कंपनी से पार्टनरशिप कर ली, 20 कंपनी से पार्टनरशिप कर ली, और उन सबको कहा कि जो मेरा लेजर है वो मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और आप लोगों को भी एक यहाँ पे मैं राइट दे देता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो इसको पास करने के लिए। तो इस तरह क्या हुआ, जो लेजर आप पहले अपने पास स्टोर कर रहे थे, अब वो लेजर आप डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर से स्टोर कर रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर कर रहे हो। तो इसका मतलब हो जाता है कि ये चीज़ आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है अलग अलग, यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जो लेजर है, जो आपका लेजर था, वो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अलग अलग जगह और सभी के पास कुछ ना कुछ राइट्स आ गए। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सेंटर पार्टी है उसका राइट यहाँ से हट गया है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपने अपने लेजर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि आप जब भी इसके अंदर कुछ भी अपडेट करोगे, जैसे सपोज करिए आपने अगले दिन की एंट्रीज करी आपकी कंपनी में जो भी माल बिका या आपने खरीदा, तो वो सारे के सारे जितने भी लेजर्स हैं वो एक साथ यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे और हर इंडिविजुअल को वो अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके उनके पास वो एंट्रीज होंगी। और यहाँ पे इंडिविजुअल्स को राइट आप अपने हिसाब से दे सकते हो जिस भी सेंटर पार्टी ने इसको यहाँ पे अप्लाई करा है। तो जब कभी भी आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आता है जो कि ये चीज़ कहता है कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि वो एक तरीके से सेमी सेंट्रलाइज चीज़ें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे तो यहाँ पे सिर्फ डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है, यहाँ पे किसी भी डेटा को डिसेंट्रलाइज वे में नहीं करा जा रहा। हाँ, लेकिन ये चीज़ डिसेंट्रलाइज है क्योंकि ये किसी एक के पास नहीं है, एक से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ है, तो इसको यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कहेंगे। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हो अगर इसको हम एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कि ये यहाँ पे सेमी सेंट्रलाइज चीज़ यहाँ पे हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ब्लॉकचेन की। तो ब्लॉकचेन दोस्तों एक जो है वो पार्ट है डीएलटी का। डीएलटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जो कि एक लेजर बनता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो प्रोसेस थी उसको यहाँ पे डीएलटी कहते थे। अब तो उसमें ब्लॉकचेन होती है, इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि डीएलटी में आप देखोगे तो यहाँ पे 10 या 20 सर्वर हैं या कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस उनके पास डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेकिन जो पूरी पूरी पावर थी वो एक अभी भी यहाँ पे एक सेंटर पार्टी के पास थी, जो भी डिसीजंस लेने या फिर जो एक कम्युनिटी वो उन्होंने छोटी सी बनाई है उसके पास। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, ब्लॉकचेन में आपके जितने भी माइनर्स होते हैं या जितने भी नोट्स होते हैं या आप जितने भी कंप्यूटर उसको कह सकते हैं जहाँ पे कि आप अपना लेजर रख रहे हैं, उन सभी के पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो इस चीज़ को अप्रूव कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी इस लेजर के अंदर किसी भी चीज़ को अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सबके पास अपडेट हो जाएगा एट अ टाइम, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, जो भी डेटा आपका स्टोर होता है
वो आपका ब्लॉक्स के अंदर होता है। अगर मैं इसको और से तो सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, तो आप समझिए कि आपकी कंपनी थी और आपने वहाँ पे एक ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर दी। हम सपोज करते हैं कि आपके पास इथेरियम की ब्लॉकचेन थी जो कि आप वहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब इस ब्लॉकचेन में क्या हुआ, आपने आज का जो भी ट्रांजेक्शन करा वो आपका ब्लॉक वन में सेव हुआ, आप कल फिर से आपका कुछ ट्रांजेक्शन हुआ वो आपने सेव करा वो आपका ब्लॉक टू में हुआ। और ये जो आपका नेटवर्क था इसके लिए आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बहुत सारी जगह पे आपके नेटवर्क को, और उनको ये भी ये राइट दे दिया कि आप जो हमारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं इनको अप्रूव कर सकते हैं, और अगर कुछ माइनर्स हैं तो भी आप अप्रूव कर सकते हैं। यानी कि सपोज करिए कि चार माइनर है, एक इंडिया का, एक जापान का और एक अमेरिका का, उन तीनों ने भी अगर मिलके, सॉरी एक और ले लेते हैं तो जर्मनी का, अगर ये चार माइनर ने भी आपका अप्रूव कर दिया तो आपकी जो ब्लॉकचेन होगी वो प्रॉपर हो जाएगी। और यहाँ पे जो हर एक एक ब्लॉक होगा वो एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा हैश के थ्रू। यानी कि पहले का हैश हो सकता है कि #01, दूसरे का होगा #02। तो अगर इसमें कोई भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है पहले हैश को, जिसके पास अभी 51% से ज्यादा पावर होगी, तो यहाँ पे हमें पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन हो रहा, वो वाला ब्लॉक इनवैलिड होके उस चेन से यहाँ पे हट जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल सी ये 200 चीजें हैं जो कि हमें डिफरेंशिएट करना बताती हैं कि डीएलटी और ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है। हालांकि दोनों यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है, और इसके अंदर एक और इम्पैक्ट है कि जो आपके पास डीएलटी है उसमें आप टोकन बनाते हो नहीं बनाते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक सेंटर गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हो सेंटर पार्टी के पास चीजें हैं तो वही उसका उसे गवर्न करने वाली है। लेकिन जब आपको एक ब्लॉकचेन चलानी है तो आपको एक टोकन होना जरूरी है। हालांकि ब्लॉकचेन में भी परमिशन ब्लॉकचेन और परमिशन लेस होती है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर आपको कोई ना कोई सा इंसेंटिव देना जरूरी होता है। तो जब भी आप कहीं पे ये चीज़ सुनते हैं कि वी आर सपोर्टिंग डीएलटी और हम डीएलटी को मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि डीएलटी का मतलब कुछ नहीं है सिवा आप लोगों को घुमा फिरा के इतना सा बता देते हैं कि जो एक लेजर पहले अपने पास रखा जाता था या अपने कंप्यूटर में रखा जाता था उसको चार जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन राइट्स अभी भी उसी पार्टी के पास है। और जो ब्लॉकचेन है वो प्योर तरीके से यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे राइट्स ज़्यादा मिलते हैं, वोटिंग ज़्यादा मिलती है, और एक तरीके से टोकन यहाँ पे होता है जो कि उस चीज़ को इंसेंटिवाइज करता है। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंसेस हैं डीएलटी और ब्लॉकचेन के बीच में। आई होप आपको यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। सर दोस्तों वीडियो सभी को पसंद आएगी, दोस्तों वीडियो पसंद हो प्लीज दोस्तों करिएगा लाइक, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो करिएगा डिसलाइक, दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप इसी तरह इंटरेस्टिंग टाइम में पा सकें और पूरे मार्केट से आप अपडेटेड रह सके। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।